हे ब्यूटीफुल पीपल, व्हाट्स अप। जैसे आज हम थंबनेल पे देख चुके, आज हम लोग बात करेंगे कि यार डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी सर्विसेज बिजनेस का आने वाले दिनों में क्या स्कोप है, कितना इनकम कर सकते हो। इंडिया में जितने लोग भी इस बिजनेस, इस तरह के कंपनियों को रन कर रहे हैं, पिछले साल उन्होंने कितना रेवेन्यू जनरेट किया। आज अगर ये बिजनेस बिगिन करते हो एज अ स्टार्टअप, तो आप कितना बना सकते हो सारे के सारे टूल्स में, स्टैटिस्टिक के साथ, एविडेंस के साथ आज मैं दिखाने वाला हूँ। राइट, ये वीडियो को अंत तक बने रहो। आज मैं आपको बताऊंगा व्हाई नॉट अफिलियट मार्केटिंग, व्हाई नॉट ब्लॉगिंग, अमेजोन पे सेलिंग, ड्रॉप शिपिंग, क्यों ये सारे बिजनेसेस से काफी आगे निकल चुका है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेस या तो एजेंसी बिजनेस। सबसे पहला, ये बिजनेस को रन करने के लिए आपको ब्लॉगिंग जैसे बिजनेस में जैसे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी होती है गूगल्स के एल्गोरिदम पे, वो डिपेंडेंसी नहीं चाहिए। नंबर टू, हमें अपने बिजनेस को रन करने के लिए किसी बड़े प्लेयर का कमांड नहीं चाहिए कि अमेजोन हमारे लिए कितना अफिलियट कमीशन जोड़ रहा है। हमारा कंप्लीट बिजनेस हमारे कंट्रोल में रहेगा। हम घर से एक लैपटॉप से और इंटरनेट से ये बिजनेस को हम बिगिन कर सकते हैं राइट नाउ। ऑफ कोर्स आपके पास कुछ बिजनेस एक्यूमेंट होने जरूरी है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा डिजिटल एजेंसी सर्विसेज का, अगर स्किल आपके पास है, सिर्फ और सिर्फ अपने घर पे बैठे आप सर्विसेज का बिजनेस नहीं बिगिन करोगे, बल्कि आप बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज भी खोलोगे। आज के डेट पे 10 लाख से ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग प्रोफाइल पे ओपनिंग है इन मल्टीपल कंपनीज। राइट, सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गो द पीसी एंड अंडरस्टैंड थिंग्स इन डिटेल्स। राइट, जैसे अभी हम आ चुके अपने पीसी में, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बिजनेस इन इंडिया, हिट या फ्लॉप, हिट या फ्लॉप पे बात करते हैं। राइट, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देख लो दोस्त, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट इंटरनेट यूजर बेस ऑन द वर्ल्ड है। स्क्रीन पे एक स्टैटिस्टिक दिया गया है, राइट, फ्रॉम स्टैटिस्टिया, 900 मिलियन इंटरनेट यूजर। उसमें से भी, क्योंकि इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट होते हुए भी अभी सिर्फ और सिर्फ 50% लोग ही इंटरनेट के ऊपर आए हैं इंडिया के अंदर। मतलब समझो कि अभी कितना बड़ा कंज्यूमर बेस इंडिया का इंटरनेट पे आना बाकी है। इतना बड़ा कंज्यूमर बेस अगर इंटरनेट पे आना बाकी है, एंड राइट नाउ ये सेकेंड लार्जेस्ट इंटरनेट यूजिंग पॉपुलेशन बन चुका है, दैट मीन्स एवरी फ्रीकिंग कंपनी एंटरप्राइज विल वांट टू स्पेंड एंड सेल प्रोडक्ट्स ऑनलाइन इन इंडिया। सभी चाहेंगे कि, क्योंकि इतना बड़ा कंज्यूमर बेस इंटरनेट के ऊपर आने वाला है, सारे के सारे कंपनी, मैन्युफैक्चरर, एग्रीकल्चर, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर, ट्रेडर्स, लोकल सर्विसेस, सभी चाहेंगे कि हमारा सामान, हमारा सर्विस इंटरनेट के ऊपर विजिबल हो। और ये सारा जो डिमांड जनरेट होने वाला है, ये डिमांड में जनरेट होगा डिजिटल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइडर का डिमांड। दूसरा स्टैट देख लो, ग्रोथ ऑफ डिजिटल एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री। आज के डेट पे अगर आप लोगों के लिए अगर ट्रैफिक ला सकते हो या एड चला सकते हो, बॉयज 539 बिलियन डॉलर का ये मार्केट साइज होने वाला है। इतना ज्यादा, आई मीन टू से, डिजिटल मार्केटिंग सैलरीज हैव इंक्रीज ड्रामेटिकली एज अ रिजल्ट ऑफ दिस राइज ऑन एवरेज ऑफ 30% जस्ट इन द पास्ट ईयर। पास्ट ईयर अंडर इकोनॉमिक टाइम का रिपोर्ट है दोस्त, इट्स नॉट अ जोक, है ना। 30% डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल्स लोगों का सैलरी भी बढ़ा है। नंबर ऑफ स्मार्टफोन यूजर्स इन इंडिया 2010 से 2023 का प्रेडिक्शन है दोस्त, जूमेबल स्टैटिस्टिक है, सबसे क्रेडिबल स्टैटिस्टिक। जैसे जैसे स्मार्टफोन का यूसेज बढ़ता जाएगा, मोबाइल पेमेंट, मोबाइल सेल परचेज, ये सारा चीज का डिमांड बढ़ते जाएगा। यानी कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज वो देखेंगे कि कैसे हम अपने प्रोडक्ट को कस्टमर्स के मोबाइल तक पहुंचा सके। लेकिन ये सारा चीज अचीव करने के लिए कस्टमर्स, कंपनियों को चाहिए स्किल्स, और स्किल्स के लिए या तो वो फुल टाइम हायर करेंगे, या तो वो डिजिटल सर्विसेज एजेंसीज, या तो फ्रीलांसर्स को हायर करेंगे। राइट, ग्रोथ ऑफ इंडियन ई कॉमर्स दोस्त, 150 बिलियन डॉलर का मार्केट होने वाला है। अभी पिछले साल 83 बिलियन डॉलर का मार्केट है, जैसे आप देख सकते हो स्क्रीन पे। मैं अपने टीम को कहूंगा हाईलाइट करें, सिर्फ 3 साल के अंदर इट्स गोइंग टू डबल, 150 बिलियन डॉलर का ये मार्केट। मतलब दोस्त राइट नाउ इंडिया के अंदर भाई सैलून सर्विसेज से लेकर के, कपड़े से लेकर के, खाने से लेकर के, कैब सर्विसेज से लेकर के, यूटिलिटी से लेकर के, एवरी कंपनी इज गोइंग टू कम ऑन बोर्ड, ऑनलाइन आने वाला है। अच्छा, वो ऑनलाइन आएंगे तो वो खुद तो करेंगे नहीं यार सेलिंग, क्योंकि वो तो अपने प्रोडक्ट या सर्विस को बनाने में व्यस्त रहेंगे। दे नीड पीपल हु कैन हेल्प देम डू दैट। अगर आप आज के डेट पे डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज का बिजनेस बिगिन कर रहे हो, आज एक आप फर्स्ट मूवर की तरह आप इवॉल्व हो सकते हो। देखो दोस्त, डेलॉयट का एक रिपोर्ट है, 87% ऑफ इंडियन बिजनेस प्लान टू इंक्रीज देयर डिजिटल मार्केटिंग स्पेंडिंग नेक्स्ट ईयर। तो हमने ये बार्ड से, गूगल बार्ड से पूछा,
बार्ड क्या है दोस्त, गूगल का सबसे क्रेडिबल एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म। तो वो कह रहे हैं कि 87% इंडियन कंपनी अपना बजट बढ़ाने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी सर्विसेज को हायर करने के लिए। एवरेज एक डिजिटल मार्केटर मिनिमम 5 लाख पर ईयर कमा रहा है एवरेज। अगर मैं सैलरी की बात करूं तो पैकेज तो करोड़ों में जा रहा है। हमारी एक स्टूडेंट है जो कि यार 1 करोड़ का पैकेज ड्रॉ कर रही है फ्रॉम डिजिटल मार्केटिंग बाय लर्निंग माय डिजिटल मार्केटिंग। इफ यू लुक एट दिस स्टैट, एक 23% ऑफ इंडियन फ्रीलांसर्स अर्न अप टू 60 लाख पर एनम पेपाल का रिपोर्ट है एंड दिस इज अ बिजनेस टुडे आर्टिकल। तो इट्स जस्ट नॉट अ जोक, ये बिजनेस टुडे का आर्टिकल है दोस्त। यू नीड टू अंडरस्टैंड गूगल बार्ड से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पूछते हैं। लेट अस कम टू गूगल बार्ड एंड आस्क गूगल बार्ड समथिंग इंपॉर्टेंट। मैं गूगल बार्ड को पूछूंगा हाउ मच स्टार्टअप एजेंसी कैन मेक इन इंडिया। चलो मेरे पास तो डेटा है क्योंकि हमने बहुत सारे स्टार्टअप एजेंसी को ट्रेन किया है। अभी गूगल को पूछते हैं, लाइव दिखा रहा, हाउ मच स्टार्टअप मार्केटिंग एजेंसी कैन मेक इन बैंगलोर। चलो बैंगलोर देख लेते हैं ना, इंडिया तो बहुत बड़ा स्कोप हो जाएगा। तो लेट अस से बैंगलोर में हम हैं तो बैंगलोर में कितना कमा सकता है, लाओ लेट अस अंडरस्टैंड। तो गूगल अभी खोज रहा है जितने भी यूटिलाइज, जितने भी क्रेडिबल रेलेवेंट रिसोर्सेस है आपको चर्न करके बता रहा है। तो देखो द स्टार्टअप मार्केटिंग एजेंसीज इन बैंगलोर एक्सपेक्ट टू जनरेट एनी वेयर $50,000 टू $5 लाख एनुअल रेवेन्यू। ठीक है, आप कैलकुलेट करो, है ना, 50,000 डॉलर मिनिमम से 5 लाख, कम से कम 5 लाख, आप कह सकते हो 3 करोड़ रुपए एनुअली बनाने का कैपेसिटी स्टार्टअप में होता है। चलो गूगल बार से और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं, गूगल से पूछते हैं, राइट। गूगल यानी कि गूगल बार्ड है, गूगल और गूगल बार्ड में बहुत डिफरेंस है। गूगल बार्ड बहुत सारे इंडेक्स आर्टिकल को क्लब करके क्यूरेट करके आपको वन मोस्ट एफिशिएंट आंसर आपको देगा, राइट। लेट अस सी दोस्त, तो मैं अभी बार से पूछता हूँ टॉप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज एंड देयर रेवेन्यू एंड देयर इंडियन रेवेन्यू, और आई कैन राइट हियर टॉप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज इन इंडिया एंड देयर रेवेन्यू 2023। लेट अस सी क्या अभी गूगल आपको डेटा दे रहा है, व्हाट गूगल इज गिविंग यू एज डेटा। सो कम ऑन गूगल, गूगल देखो हमारा ऑडियंस वेट कर रहा है क्यूरियोसिटी ड्राइव करने के लिए क्योंकि वो बिजनेस बनाना चाहते हैं। तो देख सकते हो 100 मिलियन यूएसडी, काइनेट 90 मिलियन यूएसडी, फॉक्सिमोरन 80 मिलियन यूएसडी। देखो ये यूएसडी में है ना, यू सी बॉयज, क्योंकि हम यहाँ पे इंडिया में बैठ के ग्लोबली काम कर सकते हैं। यूएसडी में ये इंडियन एजेंसीज के बारे में, फॉक्सिमोरन है ना, ग्रोथ हैकर्स डिजिटल 70 मिलियन। आशा करता हूं कि इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ रहा होगा, राइट, ये इंडस्ट्री कितना बड़ा है। तो गाइस बट फॉर दैट यू नीड टू हैव बिजनेस स्किल। और गुड न्यूज क्या है, नेक्स्ट 2 to 5 मिनट्स में मैं आपको क्विक ये आपको प्रेजेंट करने वाला हूँ हाउ वी कैन हेल्प यू इन अचीविंग दिस काइंड ऑफ रिजल्ट्स, दिस काइंड ऑफ करियर इन योर लाइफ। ऑल द बेस्ट। एंड द गुड न्यूज इज एडमी ने अपना लाइफ टाइम मेंटोरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है। एडमी ने अपना लाइफ टाइम मेंटोरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है विच इज एडवांस डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग एंड बिजनेस लीडरशिप। अगर आप एक इंडिविजुअल हो, फ्रीलांसर हो, एजेंसी ओनर हो, स्टक हो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, देन दिस पर्टिकुलर वीडियो इज फॉर यू, दिस पर्टिकुलर कोर्स प्रोग्राम इज फॉर यू। नंबर वन, 4.5 महीने का लाइव क्लास प्रोग्राम। वी डोंट बिलीव ऑन रिकॉर्डेड मटेरियल्स क्योंकि रिकॉर्डेड मटेरियल्स पे आपका सारा कुछ मटेरियल आउटडेटेड हो जाता है, इतने जल्दी से चीजें चेंजेस हो रहे हैं। नंबर टू, लार्जेस्ट लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। लाइव क्लासेस पे जो भी होंगे आपको रिविजन करने के लिए वो आपको मिलेगा ऑन एन LMS इन एन ऑटो अपग्रेडेबल वे। नंबर थ्री, 2 months ऑफ पेड इंटर्नशिप। अगर आप हमारे एडमी में, हमारे लाइफ टाइम मेंटोरशिप में आते हो तो 2 महीना आपको इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा, प्लस आप उस पर इंसेंटिव पे जीत सकते हो, एक्सपीरियंस लेटर ले सकते हो, प्लस आपका पहला 2 प्रोजेक्ट भी आपको मिलने वाला है। फर्स्ट 2 प्रोजेक्ट ऑल्सो यूल बी गेटिंग इट फ्रॉम आवर एंड, राइट। नंबर फोर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हियर इज अनलिमिटेड डाउट क्लियरिंग। घर पे बैठे हो, ऑफिस पे हो, अगर प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हो, क्लाइंट के साथ मीटिंग है, स्ट्रैटेजी बना रहे हो कैंपेन पे, वट एवर योर डाउट इज, यू कैन गेट ऑन ए कॉल विथ आर टीम एंड गेट एडवाइजेज एंड कंसल्टिंग, राइट। वी आर जस्ट 1 कॉल अवे, इट ए लाइफ टाइम सपोर्ट आपके साथ रहने वाला है। नंबर फोर, 1-to-1 सपोर्ट
कंसल्टिंग डायरेक्टली विथ मी, आपके पास कोई स्टार्टअप आइडिया है, आप कुछ एग्जीक्यूट करना चाहते हो, कोई पर्सनल चैलेंज है, बिजनेस रिलेटेड चैलेंज है, नो मैटर व्हाट, यू कैन डायरेक्टली बुक अ 1-to-1 अपॉइंटमेंट विथ मी। 13 ईयर्स एक्सपीरियंस टीम, वी आर 13 ईयर्स एक्सपीरियंस टीम पीपल, वी आर नॉट न्यू इन द मार्केट। हम लोग कोई कॉलेज के बच्चे नहीं कि ऑल ऑफ ए सडन सोशल मीडिया पे पॉपअप हो गए, कोई वेबिनार का आपको 99 रुपीज़ का झांसा देके कुछ कोर्स हम ऑनलाइन सेल कर रहे हैं। विल बी वर्किंग विथ यू फॉर कमिंग रेस्ट ऑफ द लाइफ, राइट। 13 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, थाउजेंड्स ऑफ सक्सेस स्टोरीज वी हैव क्रिएटेड। आप देख सकते हो एडमी ऑफिशियल के पेज पे जाओगे, बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज हमने बिल्ड कर दिए। आवर स्टूडेंट्स आर सक्सेसफुल लाइक हेल। बहुत सारे फीचर्स एंड बेनिफिट्स है। इफ यू वांट टू रियली बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग करियर देन यू हैव टू इन्वेस्ट हियर। एंड प्लीज रिमेंबर दिस कोर्स एंड दिस प्रोग्राम इज ओनली फॉर सीरियस पीपल जो कि एजुकेशन और इंटेलिजेंस का महत्व समझते हैं। योर नॉलेज इज गोइंग टू बी योर पावर। अगर आज के डेट पे अगर आप रिजेक्ट हो रहे हो फ्रॉम क्लाइंट, स्ट्रगल कर रहे हो इनकम में बिकॉज यू डोंट हैव दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, इफ यू आर रियली सीरियस टू इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ, क्लिक ऑन द लिंक बिलो, डाउनलोड द सिलेबस, गेट ऑन ए कॉल विथ आवर स्टूडेंट सक्सेस मैनेजर, डिस्कस करो क्या चैलेंज है, क्या अचीव करना चाहते हो, क्या हर्डल है। यू नो आवर स्टूडेंट सक्सेस मैनेजर विल वेरी प्रोफेशनली हेल्प यू एंड विल गाइड यू हाउ यू कैन स्टार्ट योर जर्नी ऑफ लर्निंग विथ मी डायरेक्टली। ऑल द बेस्ट गाइस, सी यू सून इन माई लाइव सेशन, द नेक्स्ट बैच इज स्टार्टिंग सून।